सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले का है, जिसमें लोग उत्तर प्रदेश रोडवेज की बदहाली की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वायरल वीडियो कानपुर के घाटमपुर इलाके का है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि यात्री रोडवेज बस को धक्का लगा रहे हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक ये रोडवेज बस महोबा से कानपुर जा रही थी। इस दौरान घाटमपुर बस स्टॉप के पहले ये बस अचानक बंद हो गई। काफी देर मशक्कत करने के बाद जब बस स्टार्ट नहीं हुई तो यात्रियों ने धक्का लगाया और जोर आजमाइश की, जिसके बाद किसी तरह बस स्टार्ट हुई। इस दौरान लोगों ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर लोग सरकारी बस सेवा को लेकर भी अब ट्रोल कर रहे हैं। वायरल वीडियो पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए ट्वीट करके लिखा, धक्का मार सरकार की, धक्का मार बसें। कानपुर में खराब पड़ी रोडवेज बस को धक्का मार रहे कंडक्टर और यात्री शर्मनाक। योगी सरकार में यात्रियों से भारी किराया भी वसूला जाता है और धक्का भी लगवाया जाता है। आखिर बजट में नई बसें कब खरीदेगी सरकार, बताएं मुख्यमंत्री। बताया जा रहा है कि ये रोडवेज बस महोबा डिपो की है। महोबा से सवारियों को बिठाकर ये कानपुर के लिए चली थी। रास्ते में घाटमपुर बस स्टॉप पर पहुंचते ही अचानक बस बंद हो गई। चालक और परिचालक के काफी प्रयास करने के बाद भी ये बस स्टार्ट नहीं हुई। बस बंद होने के कारण सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। तब यात्रियों ने बस को किनारे लगाने के लिए उसे धक्का देना शुरू किया। काफी देर के बाद बस स्टार्ट हो सकी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद लोग सरकारी सेवा की बदहाली की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि रोडवेज बसों का हाल आए दिन ऐसा ही होता है। विभाग लाख दावे करता है लेकिन सरकारी बस सेवा खस्ता हाल है। सड़कों पर खटारा बसें चलाई जा रही है।